वन में लिखा हुआ है इफ़ साइन एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू वन देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखो ये एक बेसिकली आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है? जो हर वैल्यू पे ठीक होती है। जैसे एक इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन में पर्टिकुलर वैल्यूज आप पुट करते हो तो वो ठीक होती है, सेटिस्फाई कर रही होती है। लेकिन आइडेंटिटी हर वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रही होती है। आप कुछ भी एक्स की वैल्यू पुट करो ये उसको सेटिस्फाई कर रही होगी। लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होगी, आप हर एक्स की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्यों? देखो आपके पास जो आइडेंटिटी है वो है साइन एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू वन। मसला ये है कि कोसेक एक्स क्या होता है? अच्छा ये इक्वेशन नहीं है इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम। इस कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना कि सॉल्व करने लगोगे तो सॉल्व होगी ना। कोसेक एक्स क्या होता है? वन ओवर साइन एक्स, तो कैंसिल हो रहा है, मतलब वो तो सेटिस्फाई कर रही है। हमें इसको सॉल्व नहीं करना, हमें बस ये बताना है कि हम इस आइडेंटिटी में यहाँ पे ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यू पुट करें कि ये आइडेंटिटी ठीक हो, मतलब ये पूरी चीज़ वन के बराबर हो जाए। तो आप ऐसी कौन कौन सी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो? नॉर्मली आइडेंटिटी के अंदर हम हर एक्स वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शन ये होगी कि आपको पता है कोसेक एक्स क्या होता है? वन ओवर साइन होता है, ठीक है। तो अगर साइन जहाँ पे ज़ीरो होगा, कोसेक वहाँ पे क्या होगा? लेट्स से आपको पता है साइन ज़ीरो डिग्री पे साइन ज़ीरो होता है, ठीक है। अगर मैं आपको कोसेक बताऊँ कि कोसेक ज़ीरो डिग्री पे क्या होगा, कैलकुलेटर से आप निकालोगे आपके पास एरर आ जाएगा। कैलकुलेटर से कोसेक कैसे निकालोगे? वन ओवर साइन, ठीक है। तो कैलकुलेटर क्या करेगा? एरर दे देगा, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शन अनडिफाइन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्स की वो वाली वैल्यू पुट करो जिससे कोसेक अनडिफाइन ना हो, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा? भाई आप सब वैल्यू पुट कर सकते हो सिवाय वो वाली वैल्यूज जो इसको अनडिफाइन कर रही हैं। अब कौन सी वैल्यूज को अनडिफाइन कर रही है वो आप फाइंड कर लो। देखो याद रखना साइन कहाँ पे ज़ीरो होता है। अगर मैं एक यूनिट सर्किल बनाऊँ तो साइन हमेशा एक्स एक्सिस पे ज़ीरो हो रहा होता है। साइन ज़ीरो डिग्री पे ज़ीरो है। अगर आप रेडियन में बोलो तो ज़ीरो रेडियन पे होता है ज़ीरो। इसी तरह पाई रेडियन पे ज़ीरो होगा। इसी तरह दोबारा घुमा के आप आओ टू पाई, फिर आप आओ थ्री पाई, फिर ये फोर पाई हो जाएगा, फाइव पे हो जाएगा। मतलब साइन जो है वो अच्छा, अगर आप एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हो ना आप, तो एंगल पॉजिटिव है। अगर आप इसको क्लॉक वाइज में जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई, ये हो जाएगा माइनस टू पाई, इसी तरह ये हो जाएगा माइनस थ्री पाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला है कि साइन माइनस थ्री पाई, माइनस टू पाई, माइनस पाई, इसी तरह ज़ीरो, इसी तरह पाए टू पाए, ठीक है, और चलते जा रहा है। इसी तरह नेगेटिव में भी चलता जा रहा है। इन सब पे साइन ज़ीरो होता है। इन सब पे अगर साइन ज़ीरो होगा तो कोसेक क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा, और अनडिफाइन आप सॉल्व नहीं कर सकते उसको। तो इसका मतलब है ऐसी एक्स की वैल्यू हम इसमें नहीं पुट कर सकते जिस पे ये अनडिफाइन हो रहा है। ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसको अगर आप जनरल फॉर्म में लिखोगे किस तरह लिखोगे? एन पाए, वेयर एन क्या है? इंटीजर है। मतलब एन इंटीजर क्या होते हैं? ज़ीरो वन टू थ्री से आगे तक, फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ठीक है। तो आप ज़ीरो पुट करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, वन पुट करोगे पाई आ जाएगा, टू पुट करोगे टू पाई। इसी तरह नेगेटिव में आप जाओ, नेगेटिव वन पुट करोगे नेगेटिव पाई, नेगेटिव टू माइनस टू पाई, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में अगर आप लिखो तो आप ये वाली एक्स की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, बाकी आप सब पुट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ऑल रियल नंबर, सब रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, फिर एन जो है वो होल नंबर है। अच्छा होल नंबर में लिखा हुआ है, नॉर्मली होल नंबर होता नहीं है, इंटीजर में भी आप डील कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप क्लॉकवाइज एंगल कंसीडर कर रहे हो तो आपको इंटीजर कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन यह होल नंबर है, इसका मतलब है सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी लो तो ज़ीरो पाए टू पाए इन सब पे कोसेक अनडिफाइन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, आप एन पाए वैल्यू नहीं पुट कर सकते इसके अंदर। टू पे आ जाओ, टू पे आपको कॉस थ्री थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो इसकी वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका यह है कि आप इसको ब्रेक कर दो कॉस टू थीटा प्लस थीटा के अंदर, ठीक है, और इस पर फॉर्मूला लगा दो कॉस अल्फा प्लस बीटा का। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर ऑप्शन देखो सब कॉस की फॉर्म में चेंज हुए हैं, तो आप अपने इस एक्सप्रेशन को कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो। ये तो पहली कॉस की फॉर्म में, लेकिन कॉस टू थीटा को मजीद कॉस की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो डबल एंगल का एक फॉर्मूला ये भी था कि कॉस टू थीटा बराबर है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन के, तो इस तरह आप चेंज करो। और साइन टू थीटा को सबसे पहले आप चेंज कर दो टू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन टू थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला क्या था? टू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा अपनी जगह पर आ गया। आप मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा टू कॉस क्यूब थीटा, माइनस वन से करो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब ये हो गया साइन स्क्वायर, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्योंकि आप चेंज कर दो कॉस स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑप्शन में सिर्फ कॉस स्क्वायर है, मतलब कॉस है, तो
तो साइन साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और ये वाला कॉस जो है ये अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई करो, ये है टू कॉस क्यूब थीटा, ये है माइनस कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा को आप वन से मल्टीप्लाई करो फिर माइनस टू से करो, तो माइनस टू कॉस थीटा। कॉस को इससे करो माइनस कॉस क्यूब, माइनस टू से करो पॉजिटिव टू कॉस क्यूब थीटा। सिंप्लीफाई करो, टू और टू ये हो जाएगा फोर कॉस क्यूब थीटा, इनको ऐड करो ये हो जाएगा माइनस थ्री कॉस थीटा। तो फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। वैसे फॉर्मूला भी है, अगर जिनको फॉर्मूला याद होगा तो वो डायरेक्ट उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल अगर आप याद ना नहीं कर सकते इसको तो इस तरह आप सॉल्व करोगे। थ्री में आपके पास लिखा हुआ है इफ़ साइन थीटा इक्वल टू, इसके बराबर है फाइंड कोसाइक थीटा। देखो साइन थीटा जो गिवन है ना, अगर आपको कोसाइक थीटा मालूम करना है तो साइन थीटा जिसके बराबर है आप उसको रेसिप्रोकल करो, आपके पास कोसाइक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल करो मतलब टू रूट टू ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई रूट थ्री प्लस वन, तो वह बराबर हो जाएगा कोसाइक थीटा के, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फोर में लिखा हुआ है इन्होंने कि कॉट थीटा प्लस कोसाइक थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, इसको आपने इन ऑप्शन के बराबर किसी में मतलब प्रूफ करना है। कैसे करोगे? देखो कॉट और कोसाइक तो ऊपर गिवन है, कोशिश करो साइन और टेंजेंट को भी इनकी फॉर्म में चेंज कर लो, क्योंकि ऑप्शन देखो कॉट कोसाइक की फॉर्म में ज़्यादातर, और देखो सी का ऑप्शन भी क्या है प्रोडक्ट ऑफ चॉइस ए एंड बी, तो इसका मतलब है कॉट कोसाइक की फॉर्म में आंसर आ रहा होगा। तो आप एक काम करो साइन थीटा को चेंज करो कोसाइक की फॉर्म में, ये हो जाएगा वन ओवर कोसाइक थीटा, टेंजेंट को चेंज करो वन ओवर कॉट थीटा। उसके बाद आप क्या करो, ऊपर तो एज इट इज़ ऐसी लिख दो कॉट थीटा प्लस कोसाइक थीटा, नीचे इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करोगे भाई आप, कॉट थीटा इधर आ जाएगा और दूसरी तरफ चला जाएगा कोसाइक थीटा। ठीक है, अब आपने बचपन में रूल पढ़ा था जिससे काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको, कि जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो अगर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। जैसे कॉट थीटा प्लस कोसाइक थीटा से ये पूरी चीज़ ये पूरी चीज़ डिवाइड हो रही है। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हो ना, डिवाइड हो रही है कॉट थीटा प्लस कोसाइक थीटा, कोसाइक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था डिवाइड का साइन जब हम हटाएंगे तो क्या आता था, मल्टीप्लाई का साइन आता था। तो देखो असल में मैं बिल्कुल बेसिक, बड़ा दिल चाहता है मेरे बताने का इसलिए मैं बेसिक में जा रहा होता हूँ, वरना मैं बोल सकता था ये यहाँ से ये वाली चीज़ ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो आप लोग भी मान लेते हैं। बहरहाल तो ये होगा, उसके बाद नज़र आ रहा है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपका क्या आ रहा है कोसाइक थीटा कॉट थीटा। अब ऑप्शन ए में कॉट थीटा है, ऑप्शन बी में कोसाइक थीटा है, सी में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ चॉइस ए एंड बी, तो वाकई में ए और बी ऑप्शन का अगर आप प्रोडक्ट करो तो वो आंसर आ रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फाइव में लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन वन माइनस कॉस फोर एक्स ओवर टू इज इक्वल टू, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अच्छा वन माइनस कॉस वाला ना, तो एक हाफ एंगल फॉर्मूला था साइन एक्स बाई टू का, वो किसके बराबर था वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू। हाफ एंगल क्या होता है कि देखो इधर जो एंगल है उसका हाफ इधर मौजूद है, इधर अगर एक्स है तो इधर क्या मौजूद है एक्स ओवर टू है। ठीक है, अब सवाल में इधर क्या है फोर एक्स है, तो अगर इधर फोर एक्स होगा तो इधर क्या होगा फोर एक्स का हाफ, फोर एक्स का हाफ क्या होता है टू एक्स। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपको वन माइनस कॉस फोर एक्स ओवर टू की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे रूट भी है तो अब स्क्वायरिंग करो, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी, तो 1 माइनस कॉस फोर एक्स ओवर टू बराबर है साइन स्क्वायर टू एक्स के। सिक्स में आपके पास लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा माइनस वन, तो इस पर फॉर्मूला लगा दो आप ए प्लस बी ए माइनस बी, किसके बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आपको पता होना चाहिए टेंजन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद एक चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कि कोसाइक ए, अच्छा लिख लेते हैं हम, मैं कन्फ्यूजन आप लोगों की पहले हल कर दूं,
मैंने अपने ऑनलाइन क्विज में ना किया क्या था, ये जो कोसैक लिखा हुआ है ना, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, CSC, ठीक है। अब स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रही थी, वो समझ रहे थे कि सर ने शायद गलती में कॉस लिखना चाह रहे थे इसलिए सर ने ये लिख दिया। तो भाई ये गलती नहीं है, कोसैक की नोटेशन ये वाली भी है और ये वाली आपको बड़ी बड़ी बुक्स में मिलेगी नोटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और आपकी बुक में तो खैर इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको याद रखना, अगर पेपर में आए तो ये नहीं समझना कि यार मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, असल में कॉस है ये भाई, ये कोसैक की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, मतलब कोसेकेंट की शॉर्ट फॉर्म है ये। बहरहाल देखो ऊपर अगर आप गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, ये वही फॉर्मूला बन रहा है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, बी, और बीटा यहाँ पे क्या है, सी। तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी। साइन बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। अच्छा जी, उसके बाद देखो ये जो कैपिटल ए बी सी लिखे हुए, पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो, ये जो सिंपल कोसैक, ये सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसमें आप कोई ना कोई एंगल पुट कर रहे होते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी एंगल है, ठीक है, आपने अल्फ़ा बीटा पढ़ा हुआ है ना, ये देखो दोनों नोटेशन यूज़ होती है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ना ए बी सी, तो हम इस तरह भी एंगल को लिखते हैं कि ए पे जो एंगल बन रहा है अल्फ़ा, बी पे जो एंगल बन रहा है बीटा, सी पे जो एंगल बन रहा है गैमा। तो अगर आपसे कोई सवाल में पूछे गैमा एंगल, तो आप बोलोगे वर्टेक्स सी पे बनता है। आपसे पूछा जाए अल्फ़ा कहाँ पे बनता है, बोल दो वर्टेक्स ए पे बनता है। तो इन एंगल को आप अल्फ़ा बीटा गैमा से भी लिखते हो और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से भी लिख रहे होते हो। अगर ये साइन के बाद बी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये कि बी पे जो एंगल बन रहा है। इसी तरह कोसैक ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो वर्टेक्स ए पे एंगल बन रहा है। तो दोनों तरीके से एंगल को शो किया जाता है, अल्फ़ा बीटा गैमा भी करते हैं और इस तरीके से भी लिखा हुआ होता है। अब बेसिकली ट्राइंगल में भाई तीन एंगल होते हैं, ए बी और सी, या आप क्या बोल सकते हो अल्फ़ा बीटा गैमा। आपने क्या पढ़ा हुआ है कि इन तीनों का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये वाली नोटेशन हम अभी यूज़ नहीं कर रहे, ये वाली यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आया हुआ है, बी प्लस सी। आप बी प्लस सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस ए को आप उधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो मेरे जहन में तरीका आ रहा है, डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट कॉमेंट करते हैं कि जिनका तरीका काफ़ी शॉर्ट होता है, ठीक है। तो अगर वो जहन में हो, अगर आपको शॉर्ट तरीके से आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। बाज़ दफ़ा MCQs करवाते हुए कोई तरीका जहन में नहीं आ रहा होता, हालांकि पता होता है। तो अगर आप लोगों को शॉर्ट तरीका पता हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मेथड का नहीं फ़र्क होता है, MCQs में बस आपका आंसर ठीक आना चाहिए, चाहे वो किसी भी मेथड से हो। तो B प्लस सी किसके बराबर है, 180 माइनस ए के बराबर है। तो आप एक काम करो, इस साइन की जगह पर आप क्या लिख दो, मतलब B प्लस सी की जगह आप लिख दो 180 माइनस ए, ठीक है। अब आपने पढ़ा था कि 180 पे और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, ये चैप्टर 10 में मैंने बताया था कि 180 और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता। साइन लिखा हुआ है तो आप साइन ही लिखोगे, जो इधर एंगल है वो इधर आ जाता है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था कि 180 में से कोई भी एंगल माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कोसैक ए की जगह किस तरह लिख सकते हो, 1/sin A, और यहाँ पर पहली साइन ए मौजूद है, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। और बेसिकली आपको इसका आंसर निकालना था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बी में ना साइन थीटा के फॉर्मूले बनाए मैं उन्होंने कि साइन थीटा को किस फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसमें बेस्ट तरीका ये है कि आप हर ऑप्शन को चेक करो, साइन थीटा के साथ कुछ ना करो, क्योंकि साइन थीटा के साथ क्या क्या करोगे आप, डिफरेंट फॉर्म है सारी। तो आप एक काम करो, सब में करके देख लो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे ऑप्शन ए को लो, क्या लिखा हुआ, कॉट थीटा, कॉट थीटा ओवर कोसैक थीटा। अगर आप इसको किसी भी फॉर्म में चेंज करो, लेट्स से कोसैक को आप चेंज कर दोगे 1/sin में, ठीक है, और कॉट को क्या चेंज कर सकते हो, कॉट को इस तरह चेंज कर दो कॉस ओवर साइन। तो साइन से साइन कैंसिल होगा, आपके पास आंसर में कॉस आ रहा होगा, ठीक है, साइन नहीं आ रहा होगा। तो इस वाले ऑप्शन को छोड़ दो। इसी तरह बी को किस तरह एक्सपेंड कर सकते हो, सैक की जगह 1/cos लिखो, लेकिन उससे भी आपका साइन नहीं आएगा। इसी तरह इसमें आप क्या कर सकते हो, आप साइन ओवर कॉस लिखो, मतलब कॉस थीटा किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा के बराबर है। आप टेंजेंट की जगह क्या लिख सकते हो, टेंजेंट की जगह लिख सकते हो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। अगेन वो चीज़ नहीं आएगी, ये कॉस थीटा जाके इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा। तो अगेन ये साइन थीटा के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पे आओ, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 1/2 sin 2 थीटा। साइन टू थीटा किस तरह लिख सकते हो आप, 2 sin θ cos θ, हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, साइन टू थीटा बराबर होता है 2 sin θ cos θ के बराबर। और सेक थीटा अपनी जगह पे, सेक थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/cos θ, ठीक है।
तो देखो कॉस से कॉस मल्टीप्लाई हो गया, टू से टू मल्टी सॉरी कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या बचा है, साइन थीटा बचा है। तो इसका मतलब है साइन थीटा को आप ऑप्शन नंबर डी की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। नाइन में क्या लिखा हुआ है, कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x, ये किसके बराबर है इन ऑप्शन में से, तो आप करके देख लो, कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x। अच्छा जी, कॉसेक को चेंज कर दो 1 ओवर साइन 2x में, और कॉट को चेंज कर दो कॉस 2x ओवर साइन 2x में। कॉट को मैं 1 ओवर टेंजेंट में भी कर सकता था, लेकिन 1 ओवर टेंजेंट में करके मैं क्या करता, इस तरह करके एटलीस्ट एलसीएम क्या आ रहा है, साइन 2x आ रहा है, और ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस 2x है। अब आप कुछ ऐसा करो कि इसका आंसर जो है इन ऑप्शंस में से आ जाए। अगर मैं मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊँ न्यूमरेटर के, तो क्या होगा वो देख लेते हैं, 1 प्लस कॉस 2x, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, और नीचे क्या होगा साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन x ओवर 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा, ये वाली टेक्निक वैलिड नहीं है। अच्छा, एक और तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं नीचे 2 साइन x 2 साइन 2x ओवर कॉस 2x कर दूँ, तो उस तरह भी नहीं हो सकता। 1 माइनस कॉस 2x को आप किस तरीके से और लिख सकते हो, साइन की फॉर्म में लिख सकते हो आप। देखो, आपको पता है हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 बराबर होगा साइन x के, ठीक है। अगर आप स्क्वायरिंग करो तो 2 साइन x जो है, मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो तो 2 साइन स्क्वायर x, मतलब स्क्वायरिंग करो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, फिर आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर होगा 1 माइनस कॉस 2x के। तो 1 माइनस कॉस 2x की जगह ऊपर क्या लिख दो, 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। नीचे है साइन 2x, फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कॉस x, 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन से 1 कैंसिल, साइन x ओवर कॉस x इसके बराबर होता है टेंजेंट, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 10 में आपके पास लिखा हुआ है साइन y ओवर 2 बराबर है टेंजेंट y ओवर 2 के, देन फाइंड कॉस y। कंडीशन है कि साइन y ओवर 2 बराबर है टेंजेंट y ओवर 2, और हमें फाइंड करना है कॉस y किसके बराबर। देखो, टेंजेंट को आप चेंज कर सकते हो साइन y ओवर 2 ओवर कॉस y ओवर 2, तो साइन y ओवर 2 साइन y ओवर 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस y ओवर 2 उधर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या था 1 बच गया था, तो कॉस y ओवर 2 बराबर है 1 के। अब आपको पता होना चाहिए कॉस का हाफ एंगल फार्मूला क्या था, कॉस y ओवर 2 बराबर था 1 प्लस कॉस y ओवर 2 के, मतलब x की फॉर्म में फार्मूला आपने याद किया होगा, कॉस x बाई 2 बराबर है अंडर रूट 1 प्लस कॉस x ओवर 2। आपको क्या निकालना है, कॉस y निकालना है, तो आप स्क्वायरिंग करो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर y ओवर 2, इधर है 1 प्लस कॉस y ओवर 2। अच्छा, इस 2 को जाके आप मल्टीप्लाई करवा दो, और ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, कॉस y ओवर 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई के 2 होगा, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कॉस y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 के बराबर आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 11 में लिखा हुआ है 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए साइन 45 डिग्री 1 ओवर रूट 2 के बराबर होता है, और कॉस 45 डिग्री भी 1 ओवर रूट 2 के बराबर होगा, 1 ओवर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर रूट 2 बराबर होगा 1 ओवर 2 के, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 1 के बराबर होगा। कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हो। 12 में लिखा हुआ है साइन 2 थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस 2 थीटा के। अच्छा, इस टाइप का सवाल अभी हमने किया था, साइन 2 थीटा को आप चेंज कर दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा में, और 1 माइनस कॉस टू थीटा किसके बराबर है, मैंने अभी बताया था कि साइन एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 के, तो अब थीटा की फॉर्म में चेंज कर दो, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 के। अब सवाल में सिर्फ 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले आप स्क्वायरिंग करो, यहाँ से रूट हट जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 को आप यहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन से 1 साइन कैंसिल, कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, तो भाई बी ऑप्शन जो है कॉट थीटा वो करेक्ट है।